वेलकम टू ग्रैंड ट्रंक रसोई, जहां पकेंगी आज खाइबर पास की कुछ टेस्टी कहानियां। गोशे फील, मैदा लगभग 500 ग्राम, इसमें बेकिंग पाउडर डालते हैं, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून और इसको छान लेते हैं। अब इसमें थोड़ा सा नमक, एक अंडा, 125 ml दूध ले लेते हैं और 1/4 कप तेल, और अब एक डो बना लेते हैं। मलमल के कपड़े से ढक के रखना है लगभग 15-20 मिनट तक। तब तक एक कढ़ाई में मैंने तेल डाला है और उसे गरम करने रख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, हम गोशे फील बना लेते हैं। थोड़ा सा ये मैदा ले लेते हैं। रोटियां बनानी है मुझे। अब इसको हम पीस से ऐसे काट लेते हैं। अब शेप दे लेते हैं। शेप देना बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। थोड़ा सा पानी लगाएं, कोने से पास में लाना है और चिपका देना है। ये देखिए, चलिए अब इनको फ्राई कर लेते हैं। गैस बंद, और ये जो बढ़िया ब्राउन हो गए हैं इनको निकाल लें। एक साइड डस्ट करता हूं आइसिंग शुगर से। तो चलिए परोसने की तैयारी करते हैं। और इस पे भी आइसिंग शुगर, ये लीजिए। बगैर पिस्ता बादाम के तो काम पूरा नहीं होता। पिस्ता पाउडर इस पे। ओ जी, दिखने में कितनी मजेदार लग रही है चीज, देखिए।